प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यालय के आवासीय परिसर का किया उद्घाटन, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को भी घेरा। कर्नाटक विधानसभा के लिए चुनाव तारीख का ऐलान, 224 सीटों पर 10 मई को मतदान, 13 मई को आएंगे नतीजे। बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह का आयोजन, फिजी गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त भी हुए शामिल। और आज देश में मनाई जा रही है महाअष्टमी, मंदिरों में हवन पूजन का आयोजन, भक्तों का लगा तांता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में नवनिर्मित आवासीय परिसर और सभागार का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करते हुए कहा कि भाजपा ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो युवाओं को अवसर देती है और इसे महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा की तुलना विश्व की उन ऐतिहासिक पार्टियों से की जाती है जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अपने देश का भाग्य बदल दिया था। परिवार के कब्जे वाली पार्टियां, फैमिली रन पार्टियों के बीच भाजपा ऐसा राजनीतिक दल है जो युवाओं को आगे आने के लिए बहुत अवसर देता है, खुला मैदान देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ पार्टियों ने मिलकर भ्रष्टाचार को बचाने का अभियान छेड़ रखा है, लेकिन देश की जनता ये समझती है कि भ्रष्टाचार खत्म होने से ही राष्ट्र की प्रगति होगी। उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत कांग्रेस की सरकार में यानी साल 2004 से 2014 के बीच 5000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जब्त की गई थी, 5000 करोड़। इसी एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस एक्ट के तहत पहले के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 15 गुना ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से कुछ दिनों बाद पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मनाएगी। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर पूर्व पार्टी प्रमुख मुरली मनोहर जोशी, नितिन गडकरी और अमित शाह भी मौजूद रहे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होगी, इसके नतीजे भी 13 मई को आ जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव तारीखों का ऐलान किया। कर्नाटक में 10 मई को एक चरण में ही 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि कर्नाटक में 5,21,00,000 मतदाता हैं जो 224 विधानसभा सीटों पर मतदान करेंगे। शेड्यूल फॉर द कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस फॉर 2023 वुड बी लाइक दिस। द गजेट नोटिफिकेशन वुड बी इश्यूड ऑन 13th of April। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस वुड बी 20th of April। Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections.
कर्नाटक में इस बार 9 लाख से ज्यादा वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। साथ ही इस बार 1 अप्रैल को 18 साल के हो रहे युवा भी मतदान कर सकेंगे। कर्नाटक में 24 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यहां पिछली बार मई 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने 104, कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने 37 सीटें जीती थी। हालांकि किसी दल को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता अयोग्य घोषित होने के बाद लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी को उनके अहंकार और पिछड़े वर्ग के समुदाय के लिए अपमानजनक टिप्पणियों के कारण अयोग्य घोषित किया गया है। उन्होंने ओबीसी समाज का जो अपमान किया, उस अपमान को अगर एक कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके एक फैसला किया तो आज मिस्टर राहुल गांधी कहते हैं कि वो कोर्ट ही गलत है। मिस्टर राहुल गांधी का ये विचार है कि इस देश पे राज करना उनका अधिकार है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा उनका सोचना है। वो एंटाइटलमेंट की राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि एक परिवार में पैदा हो गए तो देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सब क्या व्यवस्था है, वो सब इन सब से अपने आप को ऊपर मानते हैं। इस ऊपर मानने के कारण अपने आप को मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है। रेल मंत्री ने कहा कि राहुल हर चीज पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं और सोचते हैं कि वह कानून, संविधान और देश में किसी भी संस्था से ऊपर है। श्री वैष्णव ने आरोप लगाया कि सभी भ्रष्ट लोग देश के विकास को पटरी से उतारने के लिए एकजुट हो गए हैं। बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के साथ मुख्य अतिथि के रूप में फिजी गणराज्य के भारत में उच्चायुक्त कमलेश शशि प्रकाश भी शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि आज के दौर में कई चुनौतियां विद्यार्थियों के सामने हैं। ऐसे में विद्यार्थी अपने ज्ञान के माध्यम से ही जीवन में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। फिजी गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त कमलेश शशि प्रकाश ने कहा कि विश्वविद्यालयों का विजन है कि उच्च शिक्षा में बेहतर उपलब्धि हासिल हो। पिछले कुछ समय में अकेडमी, टीचिंग और रिसर्च के क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी विश्व भर में पहुंची है। इसके अलावा खेल और अन्य प्रोग्राम के माध्यम से भी उद्योगों में इंस्टीट्यूशंस की पैठ बढ़ी है। साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्पोर्ट्स में और जो रिसर्च कोलैबोरेशन करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस इंडिया में, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा है। यूनिवर्सिटी का तो यही मुख्य कारण है फॉर एग्जिस्टेंस, तो ये बहुत अच्छी बात थी। एंड बड़े संख्या में अलग अलग प्रोग्राम्स में लोग आज इस कन्वोकेशन में भाग लिए, गवर्नर जी भी थे। तो जिस तरह से जो टैलेंट देखने को मिलता है इंडिया में, इज अ ह्यूज पूल। विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने बताया कि पिछले कुछ समय में विश्वविद्यालय की ओर से कई नए कार्यक्रम दीक्षांत समारोह में आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 68 विद्यार्थियों को मेडल और उपाधि प्रदान की गई है। हमारा दीक्षांत समारोह, चौथा दीक्षांत समारोह आज आयोजित हुआ, बड़ी गरिमा पूर्वक, भव्यता पूर्वक आयोजित हुआ। विश्वविद्यालय भवन में इसका आयोजन हुआ। हमारे जो माननीय राज्यपाल जी हैं, कुलाधिपति जी हैं, उनका भी पहली बार किसी विश्वविद्यालय में आना हुआ है। पहली बार में दो PhD की उपाधियाँ प्रदान की हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की तरफ से। मैडम पुष्पा दीक्षित जो शहर की बहुत बड़ी संस्कृत की आचार्य हैं, विदुषी अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध आचार्य हैं, उनको मार्ग उपाधि हमने प्रदान की है। माननीय फिजी के उच्चायुक्त अमरेश जी को हमने जो है मार्ग डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। इसके माध्यम से जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो नाम है उन्हें कुल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचता है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारियों के अलावा विद्यार्थी और अभिभावक भी मौजूद थे। ओडिशा के चिल्का में अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें 273 महिलाओं समेत 2600 अग्निवीरों ने हिस्सा लिया, जिन्हें INS चिल्का में 16 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग दी गई।
पासिंग आउट परेड में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार मुख्य अतिथि रहे। समारोह में पूर्व एथलीट और भारतीय ओलंपिक संघ की मौजूदा अध्यक्ष पीटी उषा के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज भी शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले हम आपको सुनाते हैं 26 फरवरी 2017 को मन की बात कार्यक्रम के अंश, जिसमें श्री मोदी जी ने की थी इसरो की प्रशंसा। चाहे गरीबी से निपटना हो, बीमारियों से बचना हो, दुनिया से जुड़ना हो, ज्ञान जानकारियाँ पहुँचाना हो, टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान ने अपनी जगह दर्ज करा दी है। 15 फरवरी 2017 भारत के जीवन में गौरवपूर्ण दिवस है। हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है और हम सब जानते हैं कि इसरो ने कुछ वर्षों में कई अभूतपूर्व मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। छत्तीसगढ़ में माता रानी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। इनमें से एक है महासमुंद जिले का माँ चंडी मंदिर, जो बागबाहरा विकास खंड के घुंचापाली के पहाड़ियों पर स्थित है। मान्यता है कि माँ चंडी की प्रतिमा स्वयंभू है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि माँ की प्रतिमा छोटी थी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई और आज 21 फीट तक हो गई है। यह मंदिर भारत के चंद दक्षिणमुखी मंदिरों में से एक है। यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर के पुजारी टिकेश्वर प्रसाद ने बताया कि नवरात्रि के अलावा बाकी दिनों में भी यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। माँ चंडी का जो है मूर्ति जो है प्राकृतिक मूर्ति है। यह माता जी का मूर्ति जो है 21 फीट का है और यह जो प्राकृतिक मूर्ति है, यहां पर जो है मनोकामना ज्योति जलाया जाता है और माता जी का यहाँ पर भंडारा का प्रसाद भी मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे शाम के समय भालू जो है माता जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। नवरात्रि पर्व पर दूर दूर से माँ के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का कहना है कि माँ चंडी के दरबार में मत्था टेकने से सुकून मिलता है, साथ ही मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि पर्व पर हम देखते हैं कि यहाँ अनेक भक्त, अनेक हमारे देश के विभिन्न कोने कोने क्षेत्र से आते हैं। महासमुंद जिले के बागबाहरा घुंचापाली क्षेत्र की पहाड़ी में दुर्गम स्थान पर भव्य स्वरूप में माता विराजमान है, जो लोगों को दर्शन देती हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। हर साल आती हूँ इसी मनोकामना से कि माँ मेरी बच्चों और मेरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें। और यहाँ पे रायपुर से लेके और भी जगह और शहरों से भी लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। माँ की मान्यता बहुत है, माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। यह मंदिर भालुओं के कारण भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ कई भालू प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। आज तक भालू ने किसी श्रद्धालु को नुकसान नहीं पहुँचाया है। हालांकि वन विभाग भालू के लिए मंदिर परिसर के चारों तरफ कटीले तार लगवा दिए हैं, ताकि कोई भालू श्रद्धालुओं को नुकसान न पहुँचा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यालय के आवासीय परिसर का किया उद्घाटन, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को भी घेरा। कर्नाटक विधानसभा के लिए चुनाव तारीख का ऐलान, 224 सीटों पर 10 मई को मतदान, 13 मई को आएंगे नतीजे। बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह का आयोजन, फिजी गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त भी हुए शामिल। और आज देश में मनाई जा रही है महाअष्टमी, मंदिरों में हवन पूजन का आयोजन, भक्तों का लगा तांता। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।